types of sets. Types of sets. तो इसमें सबसे पहला टाइप आएगा हमारा, टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला टाइप है नल सेट और एम्प्टी सेट. नल सेट और एम्प्टी सेट, या इसको वॉइड सेट भी कहते हैं. वॉइड, नल सेट और एम्प्टी सेट. तो लिखो इसमें नल सेट में, और सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज कॉल्ड एज नल सेट, इज कॉल्ड एज नल सेट या एम्प्टी सेट. ठीक है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसे सेट को हम नल सेट कहेंगे. एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, या फाई, इसको फाई बोलते हैं हम. इन दोनों से नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम, या तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं या फाइव. ठीक है, तो ये दोनों उसको डिनोट करने के तरीके हैं नल सेट को. तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में नेचुरल नंबर विच इज निगेटिव, A is a set of natural number which is negative. ठीक है, A is a set of natural numbers which are negative. तो बताओ क्या कुछ आएगा सेट A में? No sir. Natural numbers सारे कैसे होते हैं? Positive. और A set कैसा है? A is a set of natural number which are negative, तो कुछ भी नहीं आएगा. तो इसका मतलब A यहाँ पे क्या है? 5. या तो तुम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, या तो सिर्फ इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम. ठीक है, तो ये नल सेट का एग्जांपल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता, ये एक नल सेट है. ठीक है. यस सर. तो लिख लो इसको. यस सर. ठीक है, ये हो गया. यस सर. यस सर. नेक्स्ट टाइप. यस सर. है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट में लिख लो, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ, सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट. सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट. ठीक है, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन सेट कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव. क्या आएगा बताओ इसमें? जीरो आएगा. ठीक है, मान लो इस सेट को हमने ए कहा,
तो उसके अंदर में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जीरो, ठीक है, तो इसके अंदर में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जीरो, तो एक सिंगलटन सेट है। फिर उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स टू, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है ना, इसमें भी एक एलिमेंट आएगा। यस सर। इवन प्राइम नंबर्स, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट आएगा, वो कौन सा रहेगा, टू रहेगा। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड या स्ट्रेंथ ऑफ आवर क्लास, ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि उसमें एक नंबर ही लिखेंगे ना हम, जैसे अभी 48 है तो इसमें अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, 47 है, तो उसमें एक एलिमेंट ही आएगा, ठीक है, तो जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। लिख लिया? Yes, sir. चलो ठीक है। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? X such that X is even prime number। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। नहीं लिख सकते हो? ठीक है। Yes sir। ठीक है। Next up। थर्ड फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट मतलब अब तुम ही बताओ नाम से क्या होगा इसमें, लिमिटेड नंबर, फाइनाइट नंबर, अ सेट विच हैज सेट which has finite number of elements is called as finite set। तो अभी तक के जितने भी हमने example देखे लास्ट लेक्चर में भी और इसके पहले भी, वो सारे फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स है। ये इसको भी हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं, सिंगलटन को भी, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर उसके पहले जो हमने सेट बिल्डर को रोस्टर में, रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया था ना, तो वो भी सारे फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। बस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पे होने चाहिए, ऐसा कोई भी सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। Yes, sir। फिर उसके बाद फोर्थ आ जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called as infinite set। तो जैसे example के तौर पे set of natural numbers कैसा set है? Sir, infinite. Set of natural numbers। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें अगर लिखना चाहेंगे उसको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में, तो 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सर आपने कहा था कि ये फाइनाइट में भी आएंगे, तो सर उधर स्पेसिफिक दिया होगा क्या? Less than equal to 5।
हाँ, अगर हम यहाँ पे मान लो इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5, तो वो फाइनाइट का एग्जांपल है, फाइनाइट सेट में आ जाएगा, फाइनाइट में। लेकिन अभी तो मैंने बस क्या बोला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है सर, मतलब रोस्टर फॉर्म में वैसा आएगा क्या कि x such that x belongs to natural number? हाँ बस इतना ही आएगा। तो इतने टाइप्स होते हैं सेट के, हो गया? यस सर। तो इसमें हम कुछ और चीजें देखते हैं सेट से रिलेटेड। सेट ऑफ इंटीजर्स इन रोस्टर फॉर्म, इंटीजर्स एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी फ्रॉम 4, मतलब उधर से ऐसे शुरू करेंगे। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो ऐसे लिखेंगे डैश डैश डैश, हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव देखते हैं ना हम नंबर लाइन को, तो इधर माइनस इन्फिनिटी से आ रहे, मान लो सेट ऑफ इंटीजर्स लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहे, या तो तुम ऐसा लिखो उसको सीधा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ऐसे चलते चलते आगे तक। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो फिर ऐसे डैश डैश डैश, मान लो माइनस उधर से आ रहे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है yes, तो अगला है फिफ्थ नंबर, अपना वो लिख लो उसमें, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, या इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, चलो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट या कार्डिनल नंबर, बाद में हम इसके थ्योरम्स भी देखने वाले कार्डिनल नंबर के, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो लिखो ये क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट, number of distinct elements in the finite set is called as its cardinal number, is called as its cardinal number, is called as its cardinal number। ठीक है, तो जैसे मान लो, and it is represented by, it is denoted by, मान लो set A है, तो order of A, या तो n ऑफ a, a में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें ऑर्डर क्या आएगी, सर इसको इवेंट्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, 5 इवेंट्स, इवेंट्स सर, वो प्रोबेबिलिटी की, वो प्रोबेबिलिटी में अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो इवेंट वगैरह उधर हम देखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, तो चलो अब तुमने बात ये कर दी, तो ये चीजें हमें आगे भी काम में आने वाली है, प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना, ये सेट जो है ना यहाँ पे भी वो है, और आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सेट्स, बस क्या बोलते हैं सेट्स नहीं, प्रोबेबिलिटी 12th में है, तो वहां पे भी ये यूज होगा सेट्स। ठीक है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, ये सर नल सेट और सिंगल टन सेट में भी यूज हो सकता है ना सर? हाँ, नल सेट मतलब 0 आ जाएगा, सिंगल टन मतलब 1 आ जाएगा, बस इनफाइनाइट में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है यस सर,
इनफाइनाइट में डिफाइन नहीं होता है. इस कार्डिनल नंबर इन रिलेशन एंड फंक्शन का ऑर्डर होगा ना. एक मिनट है. हाँ क्या कह रहे थे तुम? जितने एलिमेंट होंगे जो लास्ट एलिमेंट होगा उतना ही होगा ना उसका ऑर्डर. उतना ऑर्डर हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. और सेट्स में, सेट्स उसमें भी आता है रिलेशन में. रिलेशन एक अलग चीज है, वो भी एक सेट ही होता है रिलेशन भी. तो उसमें भी, उसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं उसको हम उसका कार्डिनल नंबर ही कहते हैं. ठीक है. यस सर. वो आप बाद में देखेंगे, वो ट्वेल्थ में आदित्य टॉपिक. ठीक है. रिलेशन. यस सर. वैसे अभी सीबीएसई केस में मेरे ख्याल से सेट्स रिलेशन एक साथ होता है ना. लेकिन अभी तो हम बस सेट्स पढ़ रहे हैं. रिलेशन एंड जो फंक्शन है वो बाद में ट्वेल्थ में होता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इक्वल सेट्स. पहले इक्विवेलेंट सेट लिख लेना. इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स तो लिखो इसमें टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी. टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट If their order is same. अगर दो सेट्स की ऑर्डर सेम है तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे. ठीक है. तो जैसे मान लो ये सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हमने ले लिए ए बी सी डी. एंड सेट बी है, इसमें हमने ले लिए एलिमेंट्स 1 2 3 4. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या है? एन ऑफ ए 4. एंड एन ऑफ बी क्या है? 4 है. तो यहाँ पे ए एंड बी जो दो सेट्स है वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे. ठीक है. हियर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स. बस ऑर्डर सेम होनी चाहिए तब हम उसको इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे. हो गया सर. इसे डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करने का इसका तो कोई तरीका नहीं है, बस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स. सर इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट अलग है ना? हाँ अलग है, इसके बाद इक्वल देखने वाले. इक्विवेलेंट में बस ऑर्डर सेम होनी चाहिए, लेकिन इक्वल सेट्स में, इक्वल सेट्स लिखो इसमें. अब two finite sets a and b two finite sets a and b are equal if their order is same as well as if their order is same as well as they contain same elements. मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में होने चाहिए. ऑर्डर तो सेम रहनी चाहिए, और जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तब जाके उनको हम इक्वल सेट्स कहेंगे. तो जैसे इसमें अगर ए बी सी डी लिया है हमने, तो बी में भी क्या होना चाहिए? ए बी सी डी होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे इक्वल सेट्स कहेंगे. तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. बोलो सर. अगर दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है
वो अगर अलग होगा तो हम इक्वल सेट्स बोल सकते हैं? नहीं नहीं कह सकते, इक्वल सेट्स नहीं कह सकते। अगर मान लो तुमने इसमें कुछ एक भी एक्स्ट्रा ले लिया तो वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए ऑर्डर भी सेम होने चाहिए एंड जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में भी होने चाहिए। मतलब ऐसा अरेंज क्या होगा, फॉर एग्जांपल सी ए डी बी या फिर सोल? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम है ना। पहले तुम सी ए बी डी लिखो या डी बी ए सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है ऑर्डर सर। हाँ बोलो ओजस। सर ये इक्वल सेट सिर्फ फाइनाइट सेट्स में? हाँ फाइनाइट, ये बोला है ना यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट। ऑर्डर देखो फाइनाइट सेट में डिफाइन होती है, इनफाइनाइट सेट की ऑर्डर डिफाइन नहीं होती है। ऑर्डर जो आता है वो बस फाइनाइट सेट में आता है। ठीक है ओके सर। हाँ बोलो सर। फ्रॉम दिस कैन वी कंक्लूड दैट इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट? हाँ वही लिखवाना है अभी, तो तुम इसी को देखते हुए बताओ क्या इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। इक्विवेलेंट को इक्वल कह सकते हैं क्या? नो सर। सर सर नॉट इन। तो लिखो यहां पे स्टेटमेंट, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसका उल्टा सही नहीं है। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है तो ये टाइप्स ऑफ सेट्स हो गए अपने, फिर उसके बाद इक्वल सेट्स क्या होते, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते वो हो गया, एंड ऑर्डर ऑफ सेट्स क्या होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सेट्स, सबसेट्स एंड सुपर सेट्स के बारे में देखते हैं। अब यहां से थोड़ी अच्छी चीजें शुरू होगी सब, है ना। ये तो अभी तक टाइप्स और बेसिक बेसिक चीजें चल रही थी, और अगर क्वेश्चन आना होगा तो आगे वाले पार्ट में से आ सकता है। जनरली सेट्स का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन उसका यूज है आगे प्रोबेबिलिटी में, फिर उसको हम और बहुत सारे टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं, पीएनसी में वगैरह, तो उस तरीके से ये काम में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है, चाहे मेंस हो, है ना। वैसे ये टॉपिक सिर्फ मेंस का है, एडवांस में ये टॉपिक नहीं है सेट्स, लेकिन इसके एप्लीकेशन आगे प्रोबेबिलिटी और भी बहुत सारी जगह पे आएगा। ठीक है तो लिखो अगला। yes, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। तो लिखो यहां पे, लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, A and B are two given sets. If every element of set A is present in set B, then set A is subset of set B, and then हम set A को subset कहेंगे set B का, and set B is सुपरसेट ऑफ सेट ए, देन सेट ए इज कॉल्ड एज, या इज सबसेट ऑफ सेट बी, एंड सेट बी सुपरसेट ऑफ सेट ए।
and it is denoted by A is subset of B. सबसेट का सिंबल है, हाँ ये सबसेट का सिंबल है ना। वैसे दो सिंबल है, ये भी है, इसमें दो चीजें हैं। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बताऊंगा आगे एग्जांपल में, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स में आता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, इक्वल टू भी आ सकता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए, सबसेट के लिए ना, हाँ सबसेट के लिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है, कौन सा साइन वहां पे देना सही रहेगा। ठीक है, हाँ सब बताया जाएगा, तन्मय रुको, अभी सारी चीजें आएगी आगे। इक्वल सेट्स अगर होंगे तो उसमें एक सेट को हम दूसरे का सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर। बस सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। एंड उस केस में बी ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, ए 1 2 3 4 ए में एलिमेंट्स, एंड बी में एलिमेंट्स ले रहे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ए को हम बी का सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटेशन भी इसके लिए सही है। ठीक है, एंड ये नोटेशन भी सही है। जैसे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू में क्या क्या पॉसिबल होता है, या तो लेस देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, दोनों में से कोई एक अगर होल्ड करेगा तब भी ये पॉसिबल होगा। जैसे अगर हमने लिखा है 0 <= 0, क्या ये सही है क्या? नो सर। हाँ सर सही है। यस सर। इसमें क्या है, लेस देन तो चलो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो पॉसिबल है ना, है कि नहीं? यस सर। वैसे अगर मैं लिखता हूँ 1 <= 2, तो चलो इक्वल टू पॉसिबल नहीं, लेकिन लेस देन तो पॉसिबल है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ट्रू है, तो 1 <= 2 भी हम लिख सकते हैं, या तो 1 <= 2 लिखो, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सही है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 2। ठीक है, मान लो बोले यहाँ पे इक्वल टू होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन लेस देन तो आ रहा है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये होता है। अगर ए में जो एलिमेंट्स है वही सारे एलिमेंट्स बी में, मतलब इक्वल सेट्स है, इक्वल सेट्स है, तो ए इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इक्वल सेट्स है तो ए इक्वल टू बी, या तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जनरली सबसेट का साइन ये होता है, ये वाला उल्टा यू, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये लिख रहे हैं, या तो सबसेट हो जाए या इक्वल टू हो जाए, दोनों में से अगर एक होल्ड करेगा तो सही है, तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है सर। हाँ सर, मतलब कि दो इक्वल सेट्स एक दूसरे को सबसेट और सुपर सेट दोनों है ना? दोनों है वो देखेंगे हम, लेकिन ये तो क्लियर है ना अभी कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू या लेस देन लिखो, दोनों सही चीज है। वन लेस देन वही उसी का मतलब, उसी तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए इक्वल टू बी आ रहा है तो ये भी उसके लिए सही है, एंड ये भी उसके लिए सही है। ठीक है सर, ए में कम एलिमेंट है तो वो सबसेट कैसे हुआ बी का? मतलब ए में 1 2 3 4 ही है और बी में 5 एलिमेंट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, बस डेफिनेशन देखो ना तुम, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है क्या, बताओ? हाँ तो बस, लेकिन मैंने बी का थोड़ी बोला है कि बी के सारे ए में होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है, बस ए के सारे बी में होने चाहिए। तो ये देख लो यहाँ पे कौन से रिप्रेजेंटेशन सही है इसके लिए, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और हम इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, भले ही मान लो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आ रहा है, लेकिन सबसेट तो हो सकता है। ठीक है
सर तो रिप्रेजेंटेशन में किसी को भी दिक्कत है आप सर हाँ बोलो नो सर जब दोनों अगर ए और बी दोनों सेट में एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो उसी वक्त हम वो यूज कर सकते हैं ना ए इज इक्वल सबसेट ऑफ बी ए इज इक्वल सेट ऑफ बी ए इज सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं उसमें ठीक है यस तो यहाँ पे दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है ए सर अगर ए सर हाँ बोलो सर ए में अगर फाइव होता और बी में अगर फाइव नहीं होता तो ए में फाइव होता और बी में अगर फाइव होता तो बी ए का सबसेट हो जाता नहीं होता तो सबसेट होते तो बी ए का होता अगर मान लो ये हो जाता यहाँ पे फाइव नहीं है एंड यहाँ पे फाइव है तो बी के सारे एलिमेंट सेम है तो बी ए का सबसेट होता ठीक है कन्वर्ट होता फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दूसरा है इक्वल लेके चल रहे अब यहाँ पे ए इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 इसमें है 1 2 3 4 तो यहाँ पे देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो इसको हम ए को बी का सबसेट कह सकते हैं यहाँ पे लेकिन ये वाला रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा ये वाला रिप्रेजेंटेशन गलत है ठीक है ये देने का मतलब क्या है ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम होने चाहिए ठीक है तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे गलत है यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन सही है एंड ये भी सही है ए इक्वल टू बी ठीक है या तो तुम उल्टा भी बोल सकते हो बी इज सबसेट ऑफ ए और बी इक्वल टू ए क्योंकि इक्वल सेट्स है ना इक्विवेलेंट सेट भी होता है इक्विवेलेंट सेट भी होता है समझाने में क्या कह रहे हो तुम एक ही होता है इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा इक्विवेलेंट हाँ इक्विवेलेंट तो ऐसे है ऑर्डर सेम है तो इक्विवेलेंट है इक्वल भी है रिप्रेजेंट करने के तरीके देख रहे हैं हम तो ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ठीक है सुपर सेट नहीं अगर ये रिप्रेजेंटेशन है ना तो ये बी सुपर सेट कहलाता है और ए सबसेट कहलाता है ठीक है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए बस ये है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना इसी में वो आ गई ना दोनों चीजें हैं अगर ये हम सर पर ये लिख रहे तो ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सुपर सेट है सर सुपर सेट तब होगा ना जब बी में एलिमेंट ज्यादा होंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है ऐसा थोड़ी कहा है मैंने बस क्या कहा है अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो ए को हम बी का सबसेट कह सकते हैं एंड बी को ए का सुपर सेट ठीक है मतलब सर सिर्फ रीड करते समय याद आएगा बस क्या करते समय रीड करते समय मतलब लिखते समय सुपर सेट नहीं लिख सकते ना नहीं इसमें है ना वो दोनों चीजें समझा नहीं उसके लिए कोई अलग नोटेशन नहीं है ये अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ए बी का सबसेट बी ए का सुपर सेट बस इतना है ये मैं तो पहले नोटेशन क्लियर है क्या ये बताओ रिप्रेजेंट करने के तरीके यस सर ये अगर हम दे रहे ना तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए तब ये रिप्रेजेंटेशन सही है ठीक है एंड उस केस में हम ये भी दे सकते हैं ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है भले ही मान लो यहाँ पे इक्वल टू होल्ड नहीं कर रहा है लेकिन सबसेट तो ये वाला तो होल्ड करेगा ठीक है यस सर क्या सेकंड वाला सिंबल ही लिखना चाहिए ना तो हर बार सही होगा ना लेकिन ऑप्शन में ऐसा थोड़ी होगा अगर मान लो ये वाला दिया गया है ए में ए के सारे एलिमेंट्स बी में है ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है और ऑप्शन ये है और तुम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वहां पे तो ये मिलना मिलेगा थोड़ी ये सही है ना फिर उस केस तो इक्वल टू नहीं आएगा इक्वल टू नहीं आएगा लेकिन दोनों अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ऑप्शन सही है ओके चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ये रिप्रेजेंटेशन अपना हो गया फिर उसके बाद इसमें बताओ
अगला एग्जांपल है, ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड बी में एलिमेंट्स है, बी में एलिमेंट्स है 1, 3, 4 तो यहाँ पे ए बी का सबसेट है क्या? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स है ना, तो इसमें हम एक गलत चीज दिखा पा रहे, 2 ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो ये गलत, भले ही मान लो 1 ए में है बी में है, 3 ए में है बी में है, लेकिन 2 जो है वो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, इसका मतलब एक गलत केस हम दिखा दिए, मतलब दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। बी ए का सबसेट होगा क्या? नो सर, 4 नहीं, बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इंक्लूड नहीं करता, तो इसमें 4 सर, लेकिन इक्विवेलेंट है। हाँ, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट है। हाँ, इक्विवेलेंट है, सही है। तो अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग होता है तो सबसेट नहीं कहलाता, जैसे 2 ए में है बी में नहीं है तो नॉट सबसेट, ए बी का सबसेट नहीं, एंड सेम चीज बी में 4 है लेकिन ए में नहीं है तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। सर सर हाँ बोलो सर, अभी जैसे वहां पर सेट बी है, थर्ड एग्जांपल में सेट बी 1, 3, 4 तो सर ऐसे सेट्स जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में तो फिर इसने नहीं लिख सकते, हम पैटर्न नहीं दिख रहा हमें, ऐसे लिखना है तो फिर क्या लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। अब वो सेट बिल्डर में लिखने के लिए नंबर्स अप टू 4 एक्सेप्ट फॉर 2, हाँ ऐसे लिख सकते हैं फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, नेचुरल नंबर x इज नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 ऐसे लिख सकते हैं, 4 और x तो चलो आगे, ये क्लियर है यहां तक सर? हाँ फिर आगे कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, लिखो नोट करके। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सही है क्या? यस सर। सेकेंड एग्जाम्पल को देखो, इक्वल सेट से मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना, कोई भी सेट खुद का सबसेट है, तो ये पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट, phi इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सही है क्या? यस सर, सही है ये, क्योंकि ये देख लो phi में तो कुछ भी नहीं है, गलत कब दिखा सकते हैं सबसेट नहीं है, मान लो इसमें कोई ऐसा एक एलिमेंट है जो इधर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b, गलत केस दिखा पा रहे हम, लेकिन phi में तो कुछ भी नहीं है तो गलत दिखाने का सवाल ही नहीं आता है, तो उसकी वजह से फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये भी सही है, फाई जो होता है नल सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है। अब जैसे देखो, गलत हम कब दिखा पा रहे थे सबसेट नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमें दिखना चाहिए ना जो इसमें प्रेजेंट है, जैसे ये भी एग्जांपल देख लो थर्ड, जैसे यहाँ पे 2 ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, तो एक गलत एलिमेंट हमें दिख गया जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा सकते हैं क्या फाई में और किसी सेट में, कि जो एलिमेंट फाई में है लेकिन उस सेट में नहीं है, नहीं दिखा सकते,
तो इसकी वजह से फाई जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है? यस सर, यस सर, क्या सर, बट फाई के अंदर तो कुछ नहीं होता है ना। हाँ तो वही तो ना, गलत सबसेट हुआ, दिखाई नहीं सकते है ना हम, वही तो मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने जब वो एग्जांपल लिखा था ना, तो गलत क्या दिखा सकते हैं हम इस तरीके से, इसको नॉट सबसेट कहा था, टू यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो गलत एक चीज दिख गई, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे गलत दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है फाई में, तो कुछ गलत नहीं दिखा सकते, तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। In first note, we can also say that superset instead of subset. हाँ कह सकते हैं, every set is superset of itself भी कह सकते हैं, सही है वो भी। Order change होगी बस। Order भी same रहेगी ना रे, every set is superset of itself। हाँ ये सर same रहेगी। हाँ, फिर third point, if order of set A is n, then number of possible subsets of A is equal to 2 की पावर n। अगर a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे, उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर n। अब वो कैसे होंगे वो हम देख लेते हैं, इसी के नीचे इसी में लिखना है थर्ड पॉइंट में ही, कि मान लो हमने सेट ए में लिया है एक एलिमेंट, तो इसके सबसेट्स देख लो, फाई इसका सबसेट होगा क्या? यस सर, यस सर, यस सर, एंड दैट सबसेट इटसेल्फ, दैट सेट इटसेल्फ, ये भी सही है ना, तो यहाँ पे ये दोनों सेट ए के सबसेट्स है। अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे सेट बी, मतलब इसी में अगला एग्जांपल है सेट ए, इसमें दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं 1 2, तो यहाँ पे सबसेट्स कौन बताएगा क्या क्या होंगे? सर 5 1 2 and 1 2। हाँ, और एक सिंगल सिंगल एलिमेंट के सेट सब, एंड दो एलिमेंट के सेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो अगर मैं सेट ए में 3 एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 2 3, तो सबसेट्स सबसे पहले फाई आएगा, फाई सबसेट ऑफ 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 3 1 3 1 2 1 3 2 3। एक बोलो, चलो मानस तुम बताओ, चलो बताओ मानस, फाई ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3, हाँ, एंड ब्रैकेट 1 2 ब्रैकेट 2 3, ब्रैकेट 3 1, हाँ, ब्रैकेट 1 2 3, तो 1 2 3 एंड 3 2 1, हाँ सही है। तो यहाँ पे देख लो, ये दो इसके सबसेट्स, अगर एक एलिमेंट है तो दो सबसेट, दो एलिमेंट है तो 4 सबसेट्स, 3 एलिमेंट से तो कितने सबसेट्स आ रहे, 8 आ रहे है ना, तो वो पैटर्न दिख रहा है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना, तो इसी से ये आता है, अगर n n एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n, ठीक है। क्लियर है सभी को ये? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। अब लिख लिया सभी ने? यस सर, हाँ सर, यस सर। तो प्रॉपर सबसेट अब देखते हैं क्या होते हैं प्रॉपर सबसेट।
फोर्थ पॉइंट इसमें हम लिख लेते हैं प्रॉपर सबसेट इफ सेट ए नया अगला पॉइंट है हाँ फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है नोट में ही लिखना है इसको इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी क्योंकि अभी हमने देखा है ना कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो यहाँ पे सेट ए इज सबसेट ऑफ बी लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए मीन्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए बी से बट ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट सर तो ऐसी कंडीशन में बी को प्रॉपर सुपरसेट बोले हाँ कह सकते हो लेकिन ऐसी कोई टर्म तो अभी तक मैंने देखी नहीं है कहीं पे प्रॉपर सबसेट का ही आता है ठीक है इट्स कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो अगर ए में ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तभी तो सबसेट कहलाएगा लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए मीन्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए तो ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं ठीक है तो ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं वो एग्जाम्पल जैसे कि कहाँ गया वो इसके पहले वाला ये एग्जाम्पल इसमें ए बी का सबसेट है और ए बी का प्रॉपर सबसेट भी हम कह सकते हैं क्योंकि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है ठीक है तो प्रॉपर सबसेट के लिए ये साइन भी सही है एंड ये नोटेशन भी सही है ठीक है तो प्रॉपर सबसेट्स कैसे होते हैं क्लियर है यस सर ठीक है तो अब ये बताओ यस सर ऑर्डर ऑफ ए इज एन मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे टू एन एन रेस टू ए प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे टू एन माइनस वन ठीक है क्योंकि यहाँ पे देख लो ये एग्जांपल हमारे सामने हमने वो फॉर्मूला कैसे निकाला था टू की पावर एन इससे अब ये देखो ये वाला वन ये वाला इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्या नहीं सर ये वाला लास्ट वाला नो सर ये इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्या नो सर इसमें ये लास्ट वाला ये एट वाला ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए तो इसकी वजह से ये इसका और ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है मतलब जो हमने रिजल्ट लिखा था टू की पावर एंड सबसेट्स के लिए उसमें से हमें एक हटाना पड़ेगा तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने आ जाएंगे टू की पावर एंड माइनस वन ठीक है यस सर तो ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नो सर नो सर ठीक है तो लिख लो इसको जल्दी से हो गया यस सर यस सर यस सर यस सर ये वही सुपर सेट एंड उसके उससे रिलेटेड एक और चीज होती है पावर सेट तो वो भी हम देख लेते हैं उसके बाद एक साथ इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो सर फाइ किसी सेट का प्रॉपर सबसेट हो सकता है ना हाँ कह सकते हैं ना
ओके फाइव इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट कह सकते हैं हम सर एक्सेप्टेड एवरी सेट नहीं है जैसे मान लो कि उस सेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए एलिमेंट यस सर तो पावर सेट पावर सेट सर ये सिक्स हाँ नहीं ये अलग से ही लिख लेना पावर सेट क्या होता है पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए मतलब सेट ए के जितने भी सबसेट्स है उन सबका सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड एज is called as power set of set A is called as power set of set A ठीक है उसको हम उसका power set कहेंगे example से वो clear हो जाएगा जैसे मान लो set A में हमने elements लिए 1, 2 तो set A के subsets आएंगे 5 curly bracket 1 bracket में 2 एंड ब्रैकेट में 1, 2 तो इतने उसके सबसेट से सेट है के तो उनका जो सेट बनता है वो कहलाता है पावर सेट ऑफ एन उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से इसमें ये भी लिख लेना एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए तो पावर सेट क्या होता है क्लियर है किसी भी सेट का यस सर तो उस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उनका सेट हां सर फाइव क्यों क्या तो फाइव क्यों लेते हैं सर और फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट ना हां यस सर ऑल सबसेट बोला है ऑल सबसेट्स तो जितने भी सबसेट पॉसिबल है पहले वो लिख लेंगे उनका सेट वो कहलाता है पावर सर बी ब्रैकेट ही कॉमन रहेगा ना ए बी सी डी वो चेंज होते रहेगा ना मतलब सर डिनोशन डिनोटेड बाय पी ब्रैकेट ए लिखा है हाँ, तो अगर हम जो सेट बी है तो पी ब्रैकेट बी हो जाएगा ना पी ऑफ बी हो जाएगा हाँ मतलब सर बाहर पी रहेगा ना अंदर बाहर पी रहेगा अंदर में मान लो अगर मैं यहाँ पे सेट बी लिखता तो यहाँ पे पी ऑफ बी आ जाता ठीक है लिख लिया ये तो इस थ्योरी पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या सबसेट्स प्रॉपर सबसेट्स एंड वो जो पॉइंट्स थे पावर सेट का जो थ्योरी पार्ट हमने अभी देखा है और यहाँ पे एक चीज बताओ बिलोंग्स टू का साइन किसके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए आता है एलिमेंट और सेट एंड सबसेट का साइन ये तीनों साइन किसके लिए हम यूज करेंगे किसके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए सबसेट एंड सुपरसेट मतलब दो सेट्स के बीच में रिलेशन दिखाना है दो सेट्स के बीच में रिलेशन दिखाना है तो ये साइन हम यूज कर सकते हैं लेकिन अगर एलिमेंट और सेट में रिलेशन दिखाना है तो बिलोंग्स टू ठीक है Excuse me, sir. हाँ बोलो सर अगर हम बोला कि पावर सेट ऑफ पाई तो क्या आएगा वो लिखेंगे नाम आगे आएगा वो लेकिन अगर हमने बोला कि हाँ चलो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो एक बार बोलो सर अगर पावर सेट सर अगर हमने पावर सेट ऑफ पाई तो पाई आएगा
लेकिन अगर हमने उसका पावर सेट निकाला तो फिर कितने एलिमेंट्स आएंगे उस वो देखने वाले हैं, ठीक है, आगे आएगा वो, टेंशन मत लो, ठीक है सर, क्योंकि वो सॉल्व करा था तो उसमें वो क्वेश्चन आया था। नहीं नहीं देखेंगे आगे, मैं बताऊंगा क्या क्या होता है पावर सेट, और पावर सेट भी होता है। अभी के लिए तो बिलोंग्स टू का साइन, जब एलिमेंट एंड सेट में रिलेशन दिखाना है तो बिलोंग्स टू, एंड सेट्स में रिलेशन दिखाना है तो ये साइन, ठीक है। ओके सर, तो इससे ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ही लिखना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सर ये लिखना है, हाँ लिखना है, क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। Which of the following is true or false? ठीक है, ये हमें स्टेट करना है, तो इसमें पहला है तो पहला वाला सही है क्या? नो सर, फॉल्स, फॉल्स है ये, अब यहाँ पे फाइल ऐसे एलिमेंट ट्रीट करना है, ट्रू है सर, ट्रू है सर, कहाँ से ट्रू है, अरे ये बिलोंग्स टू का साइन कब आता है, जब एलिमेंट में और सेट में रिलेशन दिखाना है, तो क्या फाइल इसका एलिमेंट है क्या? नहीं सर, नहीं है, तो पहला फॉल्स है, कहाँ फाई इसके बीच में थोड़ी लाई कर रहा है इस सेट में, फाई तो फॉल्स हो जाएगा ना, ये दूसरा ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स सर, इक्वल नहीं है सर, दूसरा ट्रू है सर, ट्रू है, ट्रू है सर, सर पर इक्वल नहीं है ना वो, इक्वल की साइड, इक्वल नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो सही है ये, अगला सही है क्या? दो एलिमेंट है फाइव एंड वन, तो फाइव बिलोंग्स टू दिस बोल सकते हैं हम, फाइव एज ए एलिमेंट ट्रीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये इस सेट में तो है, तो ट्रू है, फोर्थ ट्रू है क्या? इसमें अगर मैं ये लिखता वन बिलोंग्स टू सेट वन टू थ्री तो ये सही था, लेकिन अब इसमें करली ब्रैकेट वन थोड़ी इसका एलिमेंट है, इसके एलिमेंट्स तो है वन टू थ्री, तो इसकी वजह से ये गलत है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो फिर सही है, ठीक है, तो मतलब सेट ही अलग अलग हो गए, हाँ यहाँ पे अलग चीज, ये वाला बताओ सही है क्या? ये अगर हमारे दोनों इक्वल है ना
तो ये दिखाना है तो यहाँ पे हमें इक्वल टू भी लगाना चाहिए था, भले ही ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इक्वल टू होता है, इक्वल टू, लेकिन ये गलत है। ये देने का मतलब क्या होता है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों में सेम है तो ये गलत है, फॉल्स है ये। अगला सही है गलत है सर? ट्रू 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 है, ट्रू ट्रू है सर, ट्रू ट्रू है। फिर उसके बाद वाला फॉल्स है सर, ट्रू है, ट्रू ट्रू है ना, ट्रू है सर। इसके सबसेट्स देख लो क्या क्या आएंगे, इसके सबसेट्स की अगर हम बात करेंगे ना तो इसमें एक तो फाइव आएगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट में तो क्या एक एलिमेंट फाइव ही है, यहाँ पे ये वाला एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहा है अंदर में जो है ना, फाइव वन टू ये तीनों एलिमेंट है तो इसका एक सबसेट फाइव आएगा, और एलिमेंट में करली ब्रैकेट फाइव, एक एक एलिमेंट करली ब्रैकेट वन, करली ब्रैकेट टू, फिर दो दो एलिमेंट, तीन तीन एलिमेंट, ऐसे आठ सबसेट्स बनेंगे। तो ये बताओ करली ब्रैकेट फाइव इसका सबसेट है, दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, यस सर ट्रू है। और अगला ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू सर, ट्रू ट्रू है सर, है ना उसके अंदर, हाँ उसके अंदर है प्रेजेंट, तो ये ट्रू है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बताओ, ये जो आठ सबसेट का साइन होता तो किसमें, फोर्थ वाले में बिलोंग्स टू, फोर्थ वाले में अगर ट्रू हो जाता का साइन होता तो ट्रू हो जाता, ट्रू होता सर, हाँ ट्रू सही है। पहले वाले में तो ये कहते हैं ना कि थीटा हर एक इसमें प्रेजेंट होता है, अब लो फाइव फाइव इसमें थोड़ी कहा है ऐसे कि हर एक इसमें प्रेजेंट होता है, हर एक का सबसेट होता है, ये कहा है सर? वो सेकंड वाला एक बार समझा सकते हैं, वो इक्वल टू सबसेट वाला। अभी ये देख लो, ये एग्जांपल फिर से मैं ले रहा हूँ उसके लिए, ये देखो ये रहा आ गया वो, ये अगर यहाँ पे देख लो ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, ठीक है, Yes, और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो इन दोनों को हमें डिनोट करना है, तो यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी, ये वाला साइन भी हम यूज कर सकते हैं। ये कब जनरल यूज करते हैं हम, जब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम है, ए बी का सबसेट है लेकिन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम है, तो ये वाला साइन आएगा। और हम उसमें देने के लिए ये भी दे सकते हैं, इसमें दोनों चीजें आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, या तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाए या ए बी के इक्वल आ जाए, दोनों में से कोई अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाता है तो ये सही है, तो इसकी वजह से इसमें ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, ठीक है? Okay, या तो तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो वहीं पे देख लो। अब इसमें सेकंड में कि कहाँ हो गया ये फाइव, इसके सबसेट्स हम देखेंगे, इसके सबसेट्स क्या आते हैं, फाइव करली ब्रैकेट वन, करली ब्रैकेट टू, करली ब्रैकेट वन टू, तो फाइव इसका सबसेट है, yes, है ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स उससे कम ही है, तो उसमें तुम या तो सिर्फ ये वाला दिखा दो या ये और साथ में इक्वल टू भी ले लो, दोनों सही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, मिनट की सर, अब ये फोर, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, वो जो सेवेंथ एग्जांपल है, हाँ सर, वहां पर फाइव एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है ना? हाँ एलिमेंट है फाइव ये वाला, और सर वो, और सर वो जो लास्ट वाला है, हाँ, उसमें भी फाइव एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, लेकिन इसमें दो एलिमेंट है, फाइव एंड कर्ली ब्रैकेट फाइव, दोनों एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ओके सर, सर हाँ बोलो सर, कैन यू एक्सप्लेन फोर्थ वन? हाँ फोर्थ वन में देख लो, यहाँ पे यहाँ एलिमेंट है ना, ये बिलोंग्स टू का साइन कब आता है, जब एलिमेंट में और सेट में रिलेशन दिखाना है, तो इस सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है, वन टू थ्री, वन टू थ्री एलिमेंट है ना, ये करली ब्रैकेट वन थोड़ी ना इसका एलिमेंट है, ठीक है? जैसे ये फाइव, इसमें दो एलिमेंट है फाइव एंड वन, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं फाइव बिलोंग्स टू दिस, लेकिन यहाँ पे करली ब्रैकेट वन इसका एलिमेंट थोड़ी है, करली ब्रैकेट वन तो इसका सबसेट आ रहा है, तो बिलोंग्स टू का साइन यहाँ पे देना गलत रहेगा, ठीक है? सर अगर फाइव में अगर सेट होता तो वो फॉल्स आता ना? क्या आता सर? थर्ड क्वेश्चन में अगर फाइव सबसेट होता तो उधर नहीं आता, फॉल्स आता, ट्रू ही आता ना रे, अगर मैं यहाँ पे सबसेट का साइन देता तब भी ट्रू, क्योंकि फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, तब भी ट्रू ही आता, करली में रहती नहीं सर,
नहीं सर belongs to वाला होता belongs to भी सही है इसमें देख लो ना दो एलिमेंट है फाइव एंड वन तो फाइव belongs to this set सही है दोनों सही रहते थर्ड में सर फिफ्थ वाला देख लो अब फिफ्थ वाले में क्या होना चाहिए पवन ये जब साइन देना है ना तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होने चाहिए लेकिन यहाँ पे भी 1 2 3 है यहाँ पे भी 1 2 3 है उसकी वजह से ये फॉल्स है अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ वाले में ये वाला साइन देता 1 2 3 ये वाला साइन तो ये सही था इसमें भले ही ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है लेकिन ये वाला तो सेटिस्फाई होगा इक्वल टू वाला तो वो सही रहता उस केस में लेकिन अभी तो ये गलत है ठीक है सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक मिनट सर अब तो आ भी नहीं रही अब आ रही है यस सर यस सर वो पवन यहाँ पे क्लियर है क्या फिफ्थ में सर और किसका कौन सा डाउट था सर सर कैन यू एक्सप्लेन एट वन में देख लो इसके दो एलिमेंट्स है ऑब्जर्व करो ना जरा ढंग से तुम ये फाइव भी एलिमेंट है एंड कर्ली ब्रैकेट फाइव भी एलिमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट फाइव बिलोंग्स टू ये सेट हम बोल ही सकते हैं ना ये कर्ली ब्रैकेट फाइव तो इसमें आ रहा है सर हाँ सर तो इसका मतलब ऐसा है कि एक सेट का एक एलिमेंट अपने आप में भी एक सेट हो सकता है एक सेट का एक एलिमेंट अपने आप में भी लेकिन वो कर्ली ब्रैकेट में आना चाहिए हाँ सर मतलब सेट हो सकता है ना वो एलिमेंट जैसे मान लो अगर तुमने ये कहा है कि इसके सेट 1 2 तो 1 इज सबसेट ऑफ ये गलत है यहाँ पे ये 1 इज सबसेट ऑफ ये लिखना गलत है अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट 1 तो सही है ठीक है तो एक बार फिर से देख लो ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर सेट के एग्जांपल्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है यस सर ओके सर चलो ठीक है आज के लिए इतना ही है फिर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर